ढिल्लों भरावां दी खुदकुशी मामले च परिवार का वड्डा ऐलान वेखण नूं मिलिया। सरकार नूं दोषियों की गिरफ्तारी दे लई कल तक दा अल्टीमेटम दे दिता गया है। जी हाँ, परिवार दे उपर पहले दुखां दा पहाड़ टुटिया समझा जा सकता है, पर हुण परिवार ने सरकार नूं अल्टीमेटम दिता, दोषियों की गिरफ्तारी दे लई कल तक दा समां दिता गया है। कहा कि जेकर गिरफ्तारी ना हुई तो सीएम दी रिहायश दे बाहर मृतक देह रख के असीं धरना ला दांगे। ढिल्लों भरावां ने ब्यास दरिया च छाल मारी। छोटे भरा जशनवीर दी कपूरथला के मंड इलाके मृतक देह बरामद हो गई थी। लंघे दिन पुलिस ने मामला दर्ज किया, पर मामले का मुख्य मुलजम SHO रूपोश हो गया, उसका कोई थौ पता नहीं चल पा रहा। ऐसे नूं लैके परिवार भी खफा है। मुलजमान की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तद तक परिवार कहता है कि असी संघर्ष करांगे। फिलहाल वड्डा ऐलान परिवारक मैंबरों वालों किया गया। परिवार का कहना है कि जब तक इस मामले के गिरफ्तारी नहीं हो जाती मुलजमान की तद तक असी संघर्ष करते रहेंगे। जहाँ ढिल्लों भरावां की खुदकुशी मामले में परिवार का वड्डा ऐलान वेखण नूं मिलिया। परिवार ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिता है। अल्टीमेटम दिंदिया कहा गया है कि जेकर कल तक गिरफ्तारी ना हुई तो सीएम रिहायश के बाहर मृतक देह रख के असी धरना लावांगे। जहाँ इन्हां दे विचों दोहां भरावां दे विचों एक भरा की मृतक देह बरामद हो गई थी, हाले तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया। परिवार का कहना है कि दूजे भरा का वा जब तक पता नहीं चलता तद तक असी अंतिम संस्कार नहीं करांगे। पर हुण परिवार ने एक वड्डा ऐलान कर दिता है, जेकर कल तक मुलजमान की गिरफ्तारी नहीं होंगी तो सीएम रिहायश के बाहर मृतक देह रख के असी धरना ला देंगे। ढिल्लों भरावां की खुदकुशी के मामले के परिवार का वड्डा ऐलान वेखन मिले। तुहानूं दस दईए एक वड्डी चुनौती हुण सरकार के सामने भी पेश आती विखाई दे रही है। हालांकि सवाल लगातार पुलिस की कारगुजारी से भी उठते रहे हैं। 16 दिनों का समा लग गया FIR दर्ज करने के, उस तो बाद SHO जो मुख्य मुलजम है वो रूपोश हो जाता है। तो हुण परिवार ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिता, पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिता।